हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई एम संजय सिंह एंड आई वेलकम यू टू माय इंग्लिश चैनल इंग्लिश प्लेयर्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पैसिव। हमने यानी क्या है, पिछली वीडियो में भी पैसिव को डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और पैसिव की कुछ बेसिक बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें और पढ़ना बाकी है। एक सेंटेंस लिखा है, आई टोल्ड हिम अ स्टोरी। अच्छा देखो, इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है तो बस आपको वही चीज ध्यान रखनी है कि भाई पैसिव का रिलेशन आप जानते हो किससे है, वर्ब से। ओके, पैसिव का रिलेशन किससे है, वर्ब से। सेंटेंस में वर्ब पहचानो, वर्ब क्या है इसमें, तो आप कहोगे टोल्ड कौन सी फॉर्म है, एक्टिव की फॉर्म है। ओके, एक्टिव फॉर्म क्या करती है, अपने सब्जेक्ट को भी एक्टिव बना देती है, ये भी अपने आप में एक्टिव हो गया। अच्छा, एक्टिव फॉर्म के बाद जो भी आता है ना, वो अपने आप में क्या है, तो आप कहोगे पैसिव का वर्ड है। लेकिन आ स्टोरी, ये भी तो नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग चीज भी अपने आप में क्या होती है, पैसिव होती है, तो ये भी पैसिव का वर्ड हुआ। इट मींस इस सेंटेंस के अंदर अपने आप में यानी क्या है, दो पैसिव के वर्ड हैं, और दो पैसिव के वर्ड हैं तो आप दोनों में से किसी को भी क्या कर सकते हो, पैसिव को एक्टिव में चेंज कर सकते हो। ओके, यानी पैसिव वर्ड को उठाकर आप क्या कर सकते हैं, यहां सब्जेक्ट के स्थान पर रख सकते हो, राइट। अच्छा, टोल्ड को पैसिव बनाओगे तो क्या बनेगा, बी टोल्ड। ओके, पैसिव बनाओगे क्या बनेगा, बी टोल्ड। लेकिन टोल्ड कौन सी फॉर्म है, तो आप कहोगे सेकंड है, सेकंड है तो बी को भी सेकंड करोगे, तो बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वॉज टोल्ड, राइटिंग। तो क्या बन गया, देखो ही वॉज टोल्ड। अब जो दूसरा पैसिव का वर्ड है ना, उसे एज इट इज रखो। ओके, ही वॉज टोल्ड अ स्टोरी, और जो सब्जेक्ट है वो आप बाय लगा करके इधर रखो। नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे, देखो समवन स्टोल माय पेन। ओके, इस सेंटेंस में आप देखोगे वर्ब क्या है, स्टोल, एक्टिव की फॉर्म है, ये अपने आप में एक्टिव सब्जेक्ट हुआ। ओके, ये एक्टिव सब्जेक्ट है, माय पेन अपने आप में पैसिव का वर्ड हुआ। पैसिव बनाओगे तो पैसिव का वर्ड पहले लिखोगे, माय पेन को आप सबसे पहले लिखोगे। स्टोल को पैसिव बनाओगे तो क्या बनेगा, बी स्टोलन, ये तो बनेगा ना। अब देखो, पिछली वीडियो में हमने इन चीज़ों को पढ़ा था कि हम लोग किस प्रकार से चीज़ों को पैसिव में चेंज करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा यानी क्या इसे आगे बढ़ेंगे और यहाँ आप इस चीज़ को जज करना सीखोगे कि ये जो फॉर्म दी है ना, वो अपने आप में कौन सी है, सेकंड है ना, तो अपने आप में बी को खुद पे यहाँ सेकंड कर लिया करो, राइट। तो बी का सेकंड क्या होता है, वॉच, तो आप क्या लिखोगे अब की बार, वॉच स्टोलन। अच्छा, उसके बाद से देखो समवन, समवन अपने आप में आप कहोगे कैसा सब्जेक्ट है, एक अंडरस्टूड सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, अंडरस्टूड सब्जेक्ट। अंडरस्टूड सब्जेक्ट से क्या मतलब हुआ, यानी कि आप उस सब्जेक्ट को बोलो या फिर मत बोलो, लिखो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आप नहीं लिखोगे तो भी वही समझा जाएगा। कैसे, देखो जैसे समवन स्टोल माय पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, इस बात को अगर मैं पैसिव में कहूंगा तो क्या कहूंगा मैं, माय पेन वॉज स्टोलन, मेरा पेन चुरा लिया गया किसी के द्वारा। लेकिन जरा सोचो कि ये जरूरत है क्या कहने की, किसी के द्वारा मेरा पेन चुरा लिया गया, सिर्फ इतना कहो मेरा पेन चुरा लिया गया, तब भी तो ये माना जाएगा कि किसी के द्वारा चुरा लिया गया होगा, इसीलिए हमें इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आपका सेंटेंस ये कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, इस सेंटेंस में आप देखोगे वर्ब कहाँ है, स्पीक वर्ब है। ओके, एक्टिव की फॉर्म है, पैसिव में चेंज करोगे, और इसके बाद से देखो इंग्लिश पैसिव का वर्ड है, पैसिव वर्ड उठाकर आप आगे रखोगे, स्पीक को पैसिव बनाओगे तो क्या बनेगा, बी स्पोकन। इंग्लिश सिंगुलर है, बी को सिंगुलर करोगे तो क्या बन जाएगा, इज स्पोकन, और ये एज इट इज रखो, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, इसकी बात से देखो ये भी एक किसी तरीके का वर्ड है, ये भी आप क्या कहोगे, अंडरस्टूड सब्जेक्ट है,
भाई आप समझ के देख सकते हो, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार भर में लोग इंग्लिश बोलते हैं। पैसिव में चेंज करोगे तो क्या बनेगा, संसार भर में इंग्लिश बोली जाती है। और जरा सोचो इसे आप बाद में लिखोगे तो क्या बोलेगा, लोगों के द्वारा। मान के चलो अगर मैं इसे ना बोलूं तो भी तो यही माना जाएगा कि लोगों के द्वारा बोली जाती होगी, इसीलिए आप कहोगे इस पीपल को इधर लिखने की ऑब्जेक्ट में बाई लगा के लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट जो अपने आप में अंडरस्टूड होते हैं उन्हें आप कहोगे पैसे बनाते समय हटा दिया जाता है, उन्हें नहीं लिखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हैव यू सीन द ताजमहल। अच्छा अब थोड़ा सा हम लोग इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंस देखेंगे, इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंस हम लोग किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। देखो वैसे रियलिटी है कि पैसे बनाते टाइम ना तो हमें इंटरोगेटिव से प्रॉब्लम हो सकती है और शायद ना ही हमको यानी क्या है नेगेटिव से प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बस कुछ नहीं आपको कुछ बातों को समझना है कि एक्टिव में जो शब्द जहाँ लिखे हुए हैं पैसिव में भी आपको उन्हें उन्हीं जगह पर रखना है। ना तो कभी उनका प्लेस चेंज करते हैं और ना ही उन शब्दों को चेंज करते हैं, राइट। हमने कहा था देखो ये क्या है हेल्पिंग वर्ब भी तो है और हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करते, राइट। ये शीन अपने आप में एक्टिव की फॉर्म है, ओके। एक्टिव फॉर्म के अनुसार सब्जेक्ट अपने आप में एक्टिव हुआ, ताजमहल अपने आप में आप कहोगे पैसिव का वर्ड हुआ, ओके। अब आप क्या करोगे, देखो इस हैव को यहाँ आपने हेल्पिंग वर्ब को अब तक हम क्या कर रहे थे एज इट इज रख रहे कि नहीं, तो हमने एज इट इज रखा। अब जैसे आपने ताजमहल शब्द को जैसे आपने यानी कहा है सेंटेंस में लिखने का प्रयास किया यहां, तो भाई अभी अभी हमने एक बात को पढ़ा था कि जैसे आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर का है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो इस हैव को क्या कर देंगे आप सिंगुलर में चेंज कर दोगे, और हैव का सिंगुलर क्या होता है बताओ, तो आप कहोगे हैव का सिंगुलर क्या होगा हैज, तो इसे आप हैज कर दोगे, हैज द ताजमहल। अब देखो सीन इसे पैसिव में चेंज करोगे तो क्या बनेगा बी सीन, लेकिन मैंने कहा था आपको अब आपको कुछ चीजें थोड़ा सा आप एडवांस होइएगा, थोड़ा सा आप आगे बढ़ो। देखो सीन अपने आप में कौन सी फॉर्म में थर्ड है, तो इसे भी अपने आप में थर्ड बना लो, और बी का थर्ड क्या होता है तो आप कहोगे बीन, ओके। और आगे लिखो सीन हैव यू क्या बन गया हैज द ताजमहल बीन सीन। अब देखो ये यू है, इधर आप रखो इसको, और यू का ऑब्जेक्ट भी आप जानते हो यू ही होता है, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन जो मार्क है ना वो एज इट इज रहेगा। जैसे सपोज करें आप लिखो डू यू प्ले चेस। अच्छा इस सेंटेंस में आप देखोगे तो वर्ब क्या है, तो आप कहोगे प्ले, एक्शन वर्ब है, एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म क्या करती है सब्जेक्ट को एक्टिव बनाती है, डू क्या अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, ये चेस अपने आप में पैसिव का वर्ड हुआ, राइटिंग। अच्छा मैंने कहा था आपको देखो पिछली वीडियो में भी ये मैंने आपको इस बात को कहा था कि डू या डू से बनने वाला कोई भी शब्द, डू से क्या क्या बन सकता है, तो आप कहोगे डू से डज बन जाएगा, डू से डू की सेकेंड फॉर्म डिड बन जाएगी, डू का सिंगुलर डज हुआ, डू का सेकेंड फॉर्म डिड हुआ। तो याद रखो पैसिव में यही एक ऐसा वर्ड है डू जो पैसिव में यूज नहीं करना होता, पैसिव में यूज नहीं करना है, इसे यहाँ पर हटा देंगे। तो इसका तो यूज आप लिखेंगे नहीं यहाँ पर, यहाँ नहीं लिखोगे तो क्या करोगे भाई, जो प्ले शब्द है ये तो वर्ब है, इसी को पैसिव बनाओ, प्ले को पैसिव बनाओगे तो क्या बनेगा, तो आप कहोगे बी प्लेड बनेगा, ओके। अच्छा प्लेड बनेगा तो सब्जेक्ट के तौर पर पैसिव का वर्ड क्या है, चेस है, चेस अपने आप में सिंगुलर है, तो आप क्या करोगे इस बी को यानी इसी को तो आप आगे लिखोगे, यानी कि किसको बी को, बी को तो आप आगे लिखोगे, ठीक है भाई। पैसिव का वर्ड क्या है इसमें, तो आपके लिखोगे चेस। अब यहां से जरा चेक करो चेस अपने आप में क्या हुआ सिंगुलर हुआ, तो आप इसे भी तो सिंगुलर में बदल दोगे, और बी का सिंगुलर क्या होता है बताओ, तो आप कहोगे बी का सिंगुलर इज होता है, तो इज चेस, ओके। अब क्या लिखोगे प्ले को, देखो बी प्लेड किया हमने, बी तो चेंज हो गया, इज में बचा के आपके पास में प्लेड बचा, उसे आप यहां लिखो, ओके। तो इज चेस प्लेड, और ये ऑब्जेक्ट जो भी है वो आप आगे लिख दोगे, ओके। तो पैसिव वाले सेंटेंसेस को यानी कि हेल्पिंग जो इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंस है
उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जहां है पैसिव में भी आप उन्हें वहीं रखें, उनका प्लीज चेंज करने का प्रयास ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाई डू यू नॉट हेल्प द पुअर। अब देखो इस सेंटेंस में आप देखोगे तो इसमें हमने क्वेश्चन वर्ड को यूज किया हुआ है। भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से भी तो बन के आ सकता है, तो क्वेश्चन वर्ड से आने पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड जो भी आएगा ना आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन वर्ड को यानी इस वाई को एज इट इज रखो। ये जैसे शब्द लिखे हुए हैं उनको उन्हें उन्हीं स्थानों पर उन्हीं प्लेस पर रखोगे, उनका प्लेस कभी चेंज नहीं करेंगे, राइट। अच्छा उसके बाद से देखो क्या हेल्पिंग वर्ब भी तो लिखा है, तो आप भी इसके बाद क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। आप जानते हैं कि डू ही तो एक ऐसा वर्ड है जो पैसे में यूज नहीं होता, इसे आप हटा दो, इसकी यूज करने की जरूरत हमको नहीं है, नहीं है। तो अब क्या करना है भाई, हेल्प को पैसे बनाओगे तो क्या बनेगा, तो आप कहोगे बी हेल्प्ड बनेगा। अब देखो इस बी को मैं उठा करके कहां रखूंगा, इधर रख लिया। अब देखो द पुअर पैसिव का वर्ड है, मैंने द पुअर को आगे लिखा। अब आप चेक करेंगे कि द पुअर अपने आप में क्या हुआ, सिंगुलर है या प्लूरल है, जैसा है वैसा चेंज कर लेंगे। तो याद रखो द पुअर अपने आप में प्लूरल है, तो बी को भी क्या चेंज कर देंगे आप प्लूरल में, और बी का प्लूरल क्या होगा, आर। तो सेंटेंस क्या बना आपका, वाई आर द पुअर। ओके नॉट है तो आप नॉट लिख लो, नॉट हेल्प्ड। अब ये ऑब्जेक्ट जो भी है ना वो आप आगे लिख दो, रेडी। तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड आएगा उस क्वेश्चन वर्ड को भी आप क्या करेंगे, एज इट इज रखोगे। और इतना याद रखेंगे पैसिव में डू है वो चेंज आपको कर लेना है उसे, यानी कि एज इट इज नहीं रखना, डू को छोड़कर बाकी की कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसे आप एज इट इज लिख सकते हो, ठीक है। जैसे देखो अगर मालूम है इस वाई के साथ में हैव को लिख दो, यस वाई हैव यू नॉट बॉट दिस बुक। देखो वाई क्वेश्चन वर्ड है, आप क्या करेंगे क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज रखोगे इसकी जगह। अब देखो डू नहीं है, डू नहीं है तो आप क्या रखोगे, सेम रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसिव का वर्ड क्या है, दिस बुक है। अब जैसा पैसिव का वर्ड है भाई, जैसा आपका पैसिव का वर्ड आता है उस पैसिव के वर्ड को ही हमें चेक करना होता है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल। तो आप कहोगे ये सिंगुलर है तो फिर इसको भी तो सिंगुलर बनाना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, हैव का सिंगुलर क्या होता है, हैज। ओके व्हाई हैज दिस बुक। अब देखो नॉट है तो नॉट रखो। अब देखो बॉट, ये तो वर्ब है, इसको पैसिव में चेंज करोगे तो क्या बनेगा, बी बॉट। और देखो बॉट कौन सी फॉर्म है, थर्ड है, तो बी को भी थर्ड कर लो, और बी का थर्ड क्या होगा, आप कहोगे बीन, और ये रखो बीन बॉट। ओके और ये यू को आप ऑब्जेक्ट के टाइप में ले जाओ। ओके तो इस तरीके से आप क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस बना सकते हो। अच्छा वो दूसरा क्वेश्चन वर्ड कभी कभी आप देखते हो हु से लिखा हुआ मिलता है हमें, या जैसे आप कहो हु टॉट यू संस्कृत। ओके अच्छा जो हु है अपने आप में, तो याद रखो देखो हु अपने आप में क्या काम करता है, तो आप पाएंगे कि हु अपने आप में एक सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों का काम करने वाला शब्द है। थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं, बेहतर समझ पाओगे। देखो हु अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो आप कहोगे ये क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है और सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम करता है, दोनों का काम करता है। जब ये दोनों का काम करता है तो आप इसको क्या करोगे भाई, ये अपने आप में जब सब्जेक्ट का काम करता है तो ये सब्जेक्ट हुआ तो आप यही तो समझते आ रहे हैं अब तक कि जो भी सब्जेक्ट आता है उसे हम पैसिव में लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप जानते हो कि हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हु का ऑब्जेक्ट आप कहोगे हुम होता है, इसीलिए मैं इसे क्या लिखूंगा, तो आप कहोगे हु को मैं क्या लिख लूंगा, हु। लेकिन दूसरी बात देखो, अब तक हम क्या कर रहे थे, ये सब्जेक्ट था, इस सब्जेक्ट को मैंने इधर ऑब्जेक्ट में लिखा तो मैंने इसके पहले क्या लगाया, बाई। यानी जब भी ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उससे पहले बाई लगाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट ही तो है तो इसके पहले आप बाई लगा दो, क्या बन गया, बाई हो। अब देखो टॉट, यही तो इसके अंदर वर्ब है, इस टॉट को पैसे बनाओगे तो क्या बनेगा, बी टॉट, यही तो बनेगा।
अब देखो बी और टॉट, टॉट कौन सी फॉर्म है, तो आप कहोगे सेकंड है, तो बी को भी तो आप सेकंड करोगे, और बी का सेकंड क्या होता है, तो आप कहोगे वॉच। ओके, अब देखो आपके पास में दो पैसिव के वर्ड हैं भाई, ये एक्टिव की फॉर्म है, एक्टिव की फॉर्म के बाद आने वाले शब्द ही तो अपने आप में पैसिव के वर्ड होते हैं, तो ये भी पैसिव का वर्ड है और ये भी पैसिव का वर्ड है। अब डिपेंड करता है आप किस पैसिव वर्ड को यहां लिखते हो, अगर मान लो आप यू को लिखना चाहते हो तो आप समझ सकते हैं कि यू तो प्लूरल है, इसीलिए आपको इसे क्या करना पड़ेगा, इसे भी आपको प्लूरल में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, बाय हुम वर यू। अच्छा आप संस्कृत को लिखते तो कोई बात नहीं, आप वॉच लिख सकते थे। ओके, बाय हुम वर यू, अब क्या लिखेंगे आप, टॉट, और ये दूसरा पैसिव का वर्ड है ना, उसे सेम रखो, क्या बन गया, बाय हुम वर यू टॉट संस्कृत। आप चाहो तो संस्कृत को भी पहले लिख सकते थे, जो आप यहां लिखोगे उसी के अकॉर्डिंग इस वर्ब को चेंज कर लेंगे, अगर ये प्लूरल है इसीलिए तो मैंने इसको प्लूरल में चेंज कर दिया, अगर ये सिंगुलर होता संस्कृत लिखता तो सिंगुलर होता, तो फिर मैं इसको भी सिंगुलर लिखता। ओके, तो जैसा आपको शब्द लिखा हुआ मिलता है आप भी वैसा ही लिखने का प्रयास करें। क्वेश्चन वर्ड वाला कोई भी सेंटेंस आता है कोशिश करो इसी तरीके से चेंज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, देखो देखो सेंटेंस है हु ब्रोक दिस चेयर। अच्छा इस सेंटेंस में आप पाओगे तो एक्टिव फॉर्म क्या है, ये ब्रोक अपने आप में एक्टिव फॉर्म है। ओके, ये पैसिव का वर्ड हुआ। ओके, हु अपने आप में क्वेश्चन वर्ड प्लस, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट दोनों का काम करता है, इसलिए हु को आप क्या कर दोगे, ऑब्जेक्ट में चेंज कर दोगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी तो है, तो सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बना देंगे। अच्छा आप ये सोच रहे होंगे भाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते तो लास्ट में लिखते थे, अब क्यों नहीं लिख रहे हैं लास्ट में, क्योंकि देखो हु अपने आप में क्वेश्चन वर्ड भी तो है, और आपने देखा होगा क्वेश्चन वर्ड शुरू में लिखा जाता है लास्ट में नहीं, इसीलिए आप हम क्या कर रहे हैं इसे शुरुआत में लिख रहे हैं, और ऑब्जेक्ट है इसीलिए आप इसके आगे क्या लगा लोगे, बाय। ब्रोक को चेंज करो, पैसिव में बनाओगे तो क्या बनेगा, बी, और ब्रोक का थर्ड क्या होता है, ब्रोकन, लेकिन आप जानते हैं कि ब्रोक अपने आप में सेकंड है, तो बी को भी क्या करना पड़ेगा, सेकंड करना पड़ेगा, और बी का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वॉच, बी हटा, क्या बचा आपके पास में। ओके, अच्छा इसके बाद से आपको पैसिव का वर्ड चाहिए, पैसिव का वर्ड क्या है भाई, तो आपको दिस चेयर पैसिव का वर्ड है, और ये ब्रोकन को आप लास्ट में, तो आपका सेंटेंस बन गया बाय हुम वॉज दिस चेयर ब्रोकन। तो हु वाले सेंटेंस इस तरीके से आप चेंज कर लोगे, याद रखोगे ये हु चेंज होकर के क्या बनाए, बाय हुम, कैसे बनाए ये आप समझ चुके हैं, और बाकी का कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो आप उसे एज इट इज लिख सकते हो। रेडी, तो इस टाइप के यानी क्या है क्वेश्चन वर्ड जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं उन्हें भी आप बना सकते हैं, कोई क्वेश्चन वर्ड से शुरू होकर के आता है उन्हें भी आप बना सकते हैं, किसी सेंटेंस में अगर डबल पैसिव के वर्ड दे रखें तो भी आपके पास में चॉइस है, दोनों में से किसी को भी आप आगे रख करके पैसिव बना सकते हो। ओके, एक सेंटेंस लिखा है, आई वॉन्ट टू बाई अ बुक, आई वॉन्ट टू बाई अ बुक, देखो इसे पैसिव में चेंज करना है आपको। अच्छा ये अपने आप में एक्टिव है, आपको चेंज करना है पैसिव के अंदर, किस प्रकार से कर सकते हो देखो। अच्छा अभी तक आपने जो भी सेंटेंसेस पढ़े हुए हैं ना पैसिव में, हमने उन सभी सेंटेंसेस में जो भी वर्ब आपने एक्टिव फॉर्म में मार्क की थी, जैसे हमने प्ले को लिखा, हमने राइट को लिखा, ओके, हमने और भी कुछ शब्दों को देखा, जैसे ब्रिंक को हमने देखा, ओके, आपने ब्रिक के साथ में पैसिव बनाया। अच्छा ये सभी जो भी वर्ब है ना, ये अपने आप में वर्ब की भी कुछ अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, लाइक कुछ ऐसी वर्ब हैं जो एक्शन को डिनोट करती हैं, यानी उनमें अपने आप में कोई काम होते हुए, कोई काम चलते हुए हमें दिखता है। सपोज करो जैसे मैं कहूँ अपना घर पेंट कर रहा है, जब व्यक्ति अपना घर पेंट कर रहा होगा तो तुम्हें दिखेगा काम होते हुए, और जिसमें काम होते हुए हमें दिखता है ना उसे बोलते हैं एक्शन वर्ब, उसे क्या कहोगे, एक्शन वर्ब। तो उनमें एक्शन होता है, जैसे प्ले है तो अब आप समझ सकते हैं कि प्ले एक एक्शन वर्ब हुई,
ओके, मैं कहूँ कि वह क्रिकेट खेल रहा है तो आपको उसमें एक्शन होते हुए दिखेगा। मैंने कहा वह बाजार से सब्जियां ला रहा है तो उसमें आपको एक्शन होते हुए दिखेगा। मैंने कहा यानी क्या है, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है तो लिखने में भी आपको एक्शन होते हुए दिखेगा। जहां एक्शन होते हुए दिखता है वो उन सभी वर्ब को हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब। लेकिन कुछ ऐसी भी वर्ब हैं जिनमें कोई एक्शन नहीं होता। ओके, जैसे मैं कहूँ आई वॉन्ट, तो अब आप देखो आपको क्या काम होते हुए दिखाई पड़ा, तो आप कहोगे कोई काम नहीं है, कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई एक्शन नहीं हुआ तो ये वाली वर्ब अपने आप में क्या हुई, तो आप कहोगे नो एक्शन वर्ब है। क्या हुई है, नो एक्शन वर्ब। ओके, ये अपने आप में नो एक्शन वर्ब है। तो इसे जिस सेंटेंस में नो एक्शन वर्ब आती है उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को और उस सेंटेंस के उस वर्ब को आप क्या करोगे, एज इट इज ही रखोगे। समझ आया ना, ऐसा हमें किसके साथ करना है, ऐसी वर्ब जो अपने आप में क्या है, नो एक्शन है। जो वर्ब अपने आप में नो एक्शन है उसके सब्जेक्ट और उस वर्ब को आप सेम लिख लो। ओके, अच्छा उसके बाद से आपके पास सेंटेंस क्या बचा, ओके टू बाई ए बुक। आप पहचान करो बुक क्या है अपने आप में, तो तुम कहोगे पैसिव का वर्ड है। पैसिव वर्ड ही तो अब तक हम लोग आगे लिख रहे थे, तो पैसिव का वर्ड को आगे रखो। ओके, तो आई वॉन्ट अ बुक, आप देखो ये टू है तो टू से पैसिव में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू को एडजेक्टिव रखो। बाई को आप क्या करेंगे, पैसिव में चेंज करोगे और बाई का पैसिव क्या बनेगा, बी, और बाई को थर्ड कर दो तो क्या बन गया है भाई, आई वॉन्ट अ बुक टू बी बॉट, ये आपका पैसिव तैयार। जैसे देखो आई लाइक टू सिंग ए सॉन्ग, अच्छा इस सेंटेंस में भी आप पाओगे तो देखो आई लाइक, लाइक भी तो अपने आप में नो एक्शन है। नो एक्शन है तो पैसे बनाते टाइम आप क्या रखोगे इसको, एज इट इज रखो, आई लाइक। ओके, अब देखो आ सॉन्ग ये पैसे का वर्ड है, इसे आगे लेके आके आऊँ, आई लाइक आ सॉन्ग, और ये टू ये सिंग को पैसे बनाओ तो क्या बनेगा, बी, और सिंग का थर्ड क्या होगा, शन। तो इस प्रकार से आप यानी क्या इस टाइप के पैसे बना सकते हैं जहां पर नो एक्शन वाली वर्ब आती है। देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, यू नीड टू पॉलिश योर शूज प्रॉपरली। ओके, अच्छा इस सेंटेंस में भी देखो यू नीड, तो अब नीड में भी कोई एक्शन होते हुए नहीं दिखेगा, पैसे में चेंज करोगे तो क्या लिख सकते हो, यू नीड। अब देखो इसमें पैसिव का वर्ड क्या है, तो आप कहोगे योर शूज, तो योर शूज को आप पैसिव वर्ड की जगह लिख दो। ओके, यू नीड योर शूज, ओके ये अपने आप में पैसे में चेंज कर दो, पॉलिश को चेंज करोगे पैसे में तो क्या बनेगा, बी पॉलिश्ड। ओके, अब क्या शब्द बचा हुआ है, प्रॉपरली, ये आप लास्ट में लिख दो, आपका पैसिव तैयार हुआ, यू नीड योर शूज टू बी पॉलिश्ड प्रॉपरली। तो ये कुछ इस टाइप के सेंटेंस है जिनमें यानी क्या कुछ नो एक्शन वाली वर्ब आती है और नो एक्शन वाली वर्ब को आप इसी प्रकार से चेंज कर सकते। देखो इसी टाइप का एक सेंटेंस और भी है, आप देख सकते हो, वीमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। ओके, वीमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, पैसे में चेंज करना है, कैसे कर सकते हो, देखो वीमेन लाइक, ओके अब देखो लाइक भी तो अपने आप में नो एक्शन है। ओके, नो एक्शन वर्ड है, अब नो एक्शन वर्ब है तो आप क्या लिखोगे, वीमेन लाइक। अच्छा इसे वीमेन ही पढ़ोगे, ठीक है, वो मैन नहीं, वीमेन, तो वीमेन लाइक। अब देखो इसके बाद से क्या करोगे, अच्छा इसके बाद से लिखा है देम,
अब जरा थोड़ा सा समझ के देखो, वीमेन लाइक मैन, ओके, टू फ्लैटर देम। अच्छा ये देम जो है किसके लिए कहा गया है, मैन के लिए या फिर वीमेन के लिए? वीमेन लाइक, ओके, मैन टू फ्लैटर देम, यानी कि ये देम जो है किसको डिनोट कर रहा है, वीमेन को। और वीमेन को हम एक बार लिख चुके हैं, इसका मतलब इस देम को द्वारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके भाई, ये देम तो आप कहोगे वीमेन के लिए तो कहा जा रहा है, तो आप कहोगे वीमेन लाइक। ओके अब क्या देखो, टू फ्लैटर ये अपने आप में एक वर्ब है, तो आप क्या लिखोगे टू, और फ्लैटर को पैसिव में चेंज करोगे तो बी फ्लैटर्ड। ओके अच्छा, ये मैन को आप इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये बाय मैन। तो आपका पैसिव तैयार हुआ, वी मैन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन। ओके तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं आप उन्हें इस प्रकार से चेंज कर सकते हो। ओके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने का प्रयास करो, ओके, और जिससे आपके डाउट क्लियर अच्छा तरीके से क्लियर हो पाए। वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ क्लासेस जो भी आपको मिल रही हैं उन अच्छा तरीके से तैयार करो, और इनके साथ जुड़ने का, इन वीडियोस को देखने का आपको लाभ जरूर मिलेगा।